हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी काला चना मसाला रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए बनता है, तो बहुत आसान है बनाना। तो यहाँ देखिए, सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर ले रखी हूँ सारे सामग्री। तो यहाँ पर ले रखी हूँ काले चना, और चने में मैं 3 सीटी मार के इसको अच्छे से बॉयल कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 सीटी मारी हूँ, ये मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 सीटी में इतना अच्छा सा बॉयल हो गया है। और इसके लिए देखिए सारे फ्रेश मसाले ले रखी हूँ। तो यहाँ पर ले रखी हूँ एक टमाटर को, जो मैं पीस ली हूँ, पेस्ट बना ली हूँ। और यहाँ पर ले रखी हूँ 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से ले रखी हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच के हिसाब से ले रखी हूँ गर्म मसाला, 1/2 चम्मच के हिसाब से ले रखी हूँ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैं ले रखी हूँ हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, तो आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, जो हमारे सब्जी है उसमें स्वाद बढ़ेगा। यहाँ पर मैं गरम करने के लिए ऑयल बैठा दी हूँ, तो यहाँ पर ऑयल में डाल देती हूँ। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो 1/2 चम्मच के हिसाब से डाल दे रही हूँ गोटा जीरा। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 तेज़पत्ता, और थोड़ा सा इसको पकने देती हूँ। पकने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल देती हूँ मेरा जो टमाटर का पेस्ट बना के रखी हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद फ्रेंड्स, मैं अब सारे मसाले को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच के हिसाब से गर्म मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच के हिसाब से जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दे रही हूँ। सारे मसालों को क्या करूँगी फ्रेंड्स, कि अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी। जो मेरा मसाला जो है फ्रेंड्स, मसाला थोड़ा सा है, तो 1 से 2 मिनट लगेगा पकाने में, जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ मसाला को 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा मसाला है अच्छे से पक गया है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, कि जो मेरा चना बॉईल किया हुआ है, तो मैं चना डाल देती हूँ इसमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें चना डालती हूँ। अब मैं क्या करी हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद का अनुसार नमक। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, हल्का सा पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं पानी ले रखी हूँ और पानी को डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये तेज़पत्ता का काम नहीं है, अब तेज़पत्ता का काम हो चुका है, तो तेज़पत्ता को मैं निकाल के फेंक देती हूँ, और चने में पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जो मेरा अच्छे से मसाला में चना पक जाएगा। मैं इसको 2 से 3 मिनट पकने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा 2 से 3 मिनट हो चुका है। इसको मैं मीडियम गैस पर पकाई थी, तो मैं ढक्कन को हटाई हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा चना जो ग्रेवी है उसका सूख गया है, और ऐसे सूखा सूखा चना मसाला बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर बन के रेडी है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको खाली कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा चना का सब्जी बनके रेडी है। काला चना का घुगनी बोल सकती हैं, सब्जी बोल सकती हैं। आप इसको पूरी पर बना के खा सकती हैं नवरात्रा में, जैसे कि आज नवरात्रा है, तो आप इसको आज बना के खा सकती हैं, दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए बना सकती हैं। इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है। और मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।